हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, वर्ण और उसकी मात्राएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्ण कैलेंडर देखेंगे। अभी इसे हम यहाँ से व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क ख ग घ घ अंग अंग च छ ज झ य ट ठ ड ड ठ ड मूर्धन्य मूर्धन्य त त थ थ द द ध ध न न प प फ फ ब भ भ म म य य र ल व तालव्य मूर्धन्य दंस ह अच्छा त्र ज्ञा अढ़ा अढ़ा अड अड। अब इसके बाद आता है स्वर वर्ण। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अ आ ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आई ओ औ अं अ। वेरी गुड। आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं। आ की मात्रा बोलो आकार। आकार हर्षिकार दीर्घिकार हर्षोकार दीर्घोकार रीकार एकार ऐकार ऐकार ओकार औकार अनस्कार अनस्कार चंद बिंदु विसर्ग। वेरी गुड। हम लोग इसे आगे पढ़ते हुए फिर इसे हम लोग यहाँ पर रिविजन करेंगे। आ की मात्रा, आ की मात्रा व्यंजन वर्ण के साथ लगाते हुए सारे वर्णों का उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग आ की मात्रा लगाते जाएंगे। क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा। अंग की मात्रा, अंग में कोई भी मात्रा का यूज नहीं होता है। आगे होगा च में, च में आ की मात्रा चा, छ में आ की मात्रा छा, ज में आ की मात्रा जा, झ में आ की मात्रा जा, य में यूज नहीं होता है उसको कट करो। टमें आ की मात्रा ता, टमें आ की मात्रा ठा, ड में आ की मात्रा डा, ड में आ की मात्रा दा, ढा, न में आ की मात्रा ना। नेक्स्ट त में आ की मात्रा। नेक्स्ट हम यहाँ पर हर्षई की मात्रा यूज करेंगे। यहाँ पर क में हर्षई की मात्रा की, चलो क में हर्षई लगाओ। क में हर्षई की मात्रा की, ख में हर्षई की मात्रा की, ग में हर्षई की मात्रा गी, घ में हर्षई की मात्रा घी, हाँ, च में हर्षई की मात्रा ची, छ में हर्षई की मात्रा झी, ज में हर्षई की मात्रा जी, झ में हर्षई की मात्रा ज, झी, जी। इसी तरह ट में हर्षई की मात्रा टी, ठ में हर्षई की मात्रा ठी, ड में हर्षई की मात्रा डी, ढ में हर्षई की मात्रा ढी, डी लगाओ। ढ में हर्षई की मात्रा डी, न में हर्षई की मात्रा नी। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग दीर्घई की मात्रा के साथ भी वर्णों को प्रयोग करेंगे। त में दीर्घई की मात्रा ती, थ में दीर्घई की मात्रा थी, द में दीर्घई की मात्रा दी, ध में दीर्घई की मात्रा धी, न में दीर्घई की मात्रा नी नी। अभी हम हर्षों की मात्रा
यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ट में हर्षव टू टू, देखो यहाँ पर ट में हर्षव की मात्रा लगाओ, ट में हर्षव की मात्रा टू टू, ठ में हर्षव की मात्रा टू, ड में हर्षव की मात्रा डू डू, ढ में हर्षव की मात्रा ढू ढ में हर्षव की मात्रा डू, न में हर्षव की मात्रा नू नू। गुड। दीर्घऊ की मात्रा वाले अक्षर, यहाँ पर हम लोग दीर्घऊ की मात्रा का यूज करेंगे और सारे वर्णों में प्रयोग करते हुए उसका उच्चारण करेंगे डेली बेसिस पर, ताकि उसे हम अच्छी तरह रिवाइज कर सके और उसका यूज कर सके, उसे बाद में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सके। तो उसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर वर्णों को पहले लिख लेंगे, फिर यहाँ पर उसकी मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर मात्रा लगाओ दीर्घऊ, क में दीर्घऊ कु, ख में दीर्घऊ ग में दीर्घऊ ग में दीर्घऊ गु, घ में दीर्घऊ घ में दीर्घऊ गु, च में दीर्घऊ चू, छ में दीर्घऊ छू, ज में दीर्घऊ ज में दीर्घऊ जू, ज में दीर्घऊ जू। गुड। ए की मात्रा वाले अक्षर, ए की मात्रा लगाओ यहाँ पर, कम ए की मात्रा, देखो ए की मात्रा इस तरीका से लिखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा ये बीच में घुस गया है यहाँ पर, चलो ए की मात्रा लगाओ, ए की मात्रा यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं, ए की मात्रा सारे वर्णों के साथ हम यहाँ पर ए की मात्रा यूज़ करेंगे। क में ए की मात्रा के, ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे, घ में ए की मात्रा घे, अंग में कुछ नहीं, च में ए की मात्रा चे, छ में ए की मात्रा छे, ज में ए की मात्रा जे, झ में ए की मात्रा छे। यहाँ पर हम अ की मात्रा का प्रयोग करेंगे अक्षरों के साथ, क में अ की मात्रा यहाँ पर लगाओ, क में अ की मात्रा कई, ख में अ की मात्रा खई, ग में अ की मात्रा गई, ध में अ की मात्रा घई, च में अ की मात्रा चई, ओ की मात्रा वाले के यहाँ पर अक्षर हम लोग ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क में ओ की मात्रा लगाओ, क में ओ की मात्रा को, च में ओ की मात्रा चो, छ में ओ की मात्रा छो, ज में ओ की मात्रा जो, झ में ओ की मात्रा जो, ट में ओ की मात्रा ट में लगाओ, ट में ओ की मात्रा टो, ठ में ओ की मात्रा ठो, ठो, ड में ओ की मात्रा न में ओ की मात्रा डो, डो, ढ में ओ की मात्रा ढो, ढो, न में ओ की मात्रा नो, नो, क में औ की मात्रा लगाओ यहाँ पर, क में औ की मात्रा कौ, क में औ की मात्रा कौ, ख में औ की मात्रा ख में औ की मात्रा खऊ, ग में औ की मात्रा ग में औ की मात्रा गौ, गौ, घ में औ की मात्रा घ में औ की मात्रा घऊ, घऊ। यहाँ पर हम अंग की मात्रा लगाएंगे, क में अंग की मात्रा कंग, यहाँ पर मात्रा लगाओ, क में अंग की मात्रा कंग,
ख में अंक की मात्रा खंग, खंग। ग में अंक की मात्रा गंग, घ में अंक की मात्रा घंग, च में अंक की मात्रा चंग, छ में अंक की मात्रा छंग, ज में अंक की मात्रा जंग, झ में अंक की मात्रा जंग, ट में अंक की मात्रा टंग। इसी तरह हम यहाँ पर चंद्रबिंदु का यूज करेंगे। क में चंद्रबिंदु का, चंद्रबिंदु का, ख में चंद्रबिंदु खा, चंद्रबिंदु खा, ग में चंद्रबिंदु ग, चंद्रबिंदु ग, घ में चंद्रबिंदु घ, चंद्रबिंदु घ। अभी अह की मात्रा का यूज करेंगे। क में अह की मात्रा क, क में अह की मात्रा क, ख में अह की मात्रा ख, ख में अह की मात्रा ख, ग में आ की मात्रा ग, ग में आ की मात्रा ग, घ में आ की मात्रा घ, घ में आ की मात्रा घ, च में आ की मात्रा च, च में आ की मात्रा च, छ में आ की मात्रा छ, छ में आ की मात्रा छ, ज में आ की मात्रा च, ज में आ की मात्रा ज, झ में आ की मात्रा झ, झ में आ की मात्रा झ। इसी तरह हम लोग वर्णों के साथ इनका प्रयोग करते हुए इसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे गए हैं मात्राओं के साथ अलग अलग। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पहचानो और पढ़ो। ये कौन सी मात्रा लगा हुआ है यहाँ पर? आ की मात्रा। अ में आ की मात्रा, तो बताओ क्या है ये? आ। क में आ की मात्रा का। न में ए की मात्रा ने। च में आ की मात्रा चा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर अक्षरों को पहचानेंगे मात्राओं के साथ और इसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बारह खड़ी, जो हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता था, इसी तरीके से सिखाया जाता था, सारे एक साथ हम लोग बोलते थे। यहाँ पर सारे मात्राओं को एक ही साथ लिखाया जाता था और फिर इसे हम लोग याद करते थे। तो एक बार फिर हम लोग इसे भी पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग बारह खड़ी पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क है, तो क में हम लोग मात्राओं को जोड़ते जाएंगे और फिर उसका उच्चारण करते हुए पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क, क में आ की मात्रा का, क में हर्ष की मात्रा की, क में दीर्घी कार्य की, क में हर्ष कार्य कु, क में दीर्घु कार्य कु, क में री कार्य क्री, क में ए कार्य के, क में ऐ कार्य कई, क में ओ कार्य को, क में औ कार्य कौ, क में अनस कार्य कं, क में चंद्रबिंदु का, क में विसर्ग क। ख, ख में आ कार्य खा, ख में हर्षी कार्य की, ख में दीर्घी कार्य की, ख में हर्षु कार्य खु, ख में दीर्घु कार्य खु, ख में री कार्य क्री, ख में ए कार्य खे, ख में ऐ कार्य खई, ख में ओ कार्य खो, ख में औ कार्य खाऊ, ख में अंस कार्य खं, ख में चंद्रबिंदु खा, ख में विसर्ग खा। ग, ग, ग में आ कार्य गा, ग में हर्षी कार्य गी, ग में दीर्घी कार्य गी, ग में हर्षु कार्य गु, ग में दीर्घु कार्य गु, ग में री कार्य ग्री, ग में ए कार्य गे, ग में ऐ कार्य गई, ग में ओ कार्य गो, ग में औ कार्य गौ, ग में अनस कार्य गंग, ग में चंद्रबिंदु गा, ग में विसर्ग ग। घ, घ, घ में आ कार्य घा, घ में हर्षी कार्य गी, घ में दीर्घी कार्य गी, घ में हर्षु कार्य गु, घ में दीर्घु कार्य गु, घ में री कार्य ग्री, घ में ए कार्य घे, घ में ऐ कार्य घई, घ में ओ कार्य गो, घ में ऐ कार्य गौ, घ में अनस कार्य घं, घ में चंद्रबिंदु घा, घ में विसर्ग घ। इसी तरह से हम आगे सारे तरीके से हम सारे वर्णों को यूज़ करते जाएंगे, मात्राओं के साथ पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। के बाय।